नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर.के और आप देख रहे हैं आर.के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 8 सितंबर 2024 है ना, और यहां पर सोमवार यानी मंडे के लिए 9 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर हाजिर हूं। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करें और आर.के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए मालिक, है ना। चलिए शुरुआत करता हूँ, सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने मैं लेकर आता हूँ और ये आ गया चार्ट। देखिए एक ही दिन में 900 पॉइंट का करेक्शन हो गया। इम्पॉर्टेंट जो लेवल था वो था 50,500 का, ठीक है, कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन गया लो लगाया 50,447। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे भी कि क्लोज इसके ऊपर कर गया 50,576 के ऊपर की क्लोजिंग चल रही है। इसका मतलब क्लोज तो 50,500 के ऊपर है, लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है ना कि जो लो है इसका 50,447 से और क्लोजिंग है 50,567 का, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। 90 पॉइंट के आसपास में इसने नीचे से कवर किया, ऊपर 100 पॉइंट भी नहीं कर पाया, लगभग 100 पॉइंट किया ना 547, 110 पॉइंट, 120 पॉइंट है ना, 120 पॉइंट मात्र 100 पॉइंट का आप कह सकते हैं, 100 पॉइंट का इसने कवर किया। तो 100 पॉइंट का कवर 50,000 का इंडेक्स है मालिक, तो लो इक्वल टू क्लोज हो गया। यहाँ पर 50,000 का इंडेक्स है, कम से कम 300-400 पॉइंट कवर करता तो मामला होता, लेकिन ये तो 100 पॉइंट पे रह गया, तो लो इक्वल टू क्लोज है, तो मामला थोड़ा सा बियरिश मूड में चला गया है। क्लियर है, बियरिश मूड में। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर आप ध्यान से इसके पैटर्न को समझें बैंक निफ्टी के, तो इसने एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है, बियरिश। देखिए यहाँ से ये पोल है, ठीक है, और इस पोल को बाद यहाँ से ये फ्लैग है, ये है। और गड़बड़ी क्या हो गया इसने कि इसने इस पोल फ्लैग को ब्रेक कर दिया। अब ये फ्लैग को ब्रेक कर गया है तो खतरे की घंटी बजा दिया है, क्योंकि अगर इस फ्लैग वैलिड हो, अगर ये फ्लैग वैलिड है तो मैं जहां तक आते हुए देख रहा हूं 49,600 से 49,700 तक आते हुए फिर देख रहा हूं, यहां तक समझ रहे हैं, यहां तक ये 49,600 का लेवल है, तो फिर मामला ज्यादा गड़बड़ी वाला है अगर ये वैलिड है तो। अब ये वैलिड है या नहीं है वो हम मंडे को देखेंगे कि मंडे किस लेवल पे वो ट्रेड होता है उसके बाद, क्योंकि फ्राइडे को ये गिरा, फ्राइडे की क्लोजिंग है, तो मंडे को नया दिन होता है, 2 दिन मार्केट बंद होता है, ग्लोबली बहुत कुछ चेंज होता है, तो इसके वजह से सिनेरियो भी चेंज होते हैं। तो अब ये मंडे को डिसाइड करेगा कि ये सही है या गलत है। फिलहाल अभी हम एक बार इसके ऑप्शन डेटा को भी देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा थोड़ा सा कि पीसीआर तो ठीक है और विक्स भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वॉलीटिलिटी बढ़ रही है। विक्स बढ़ता हुआ आ रहा है, 15 पॉइंट पे पहुंच गया, तो वॉलीटिलिटी तो बढ़ गई। एट द मनी 50,600 के आसपास में है, और अब इसके लिए जो मेन हर्डल हो गया वो 51,000 का हो गया। इसके ऊपर जाने में इसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नीचे की तरफ की अगर हम बात कर लें तो भाई यहां पे आप देखिए कि छोटा सा सपोर्ट एरिया 50,500 पर है, इसीलिए थोड़ा सा कवर किया था और उसके ऊपर क्लोज किया। लगभग 14 लाख आपका पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 9.25 लाख है, थोड़ा सा है, लेकिन अगर ये टूट जाता है किसी कारणवश, टूटना ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन अगर फ्लैग अपना काम करता है तो 50,400 के नीचे जाने पर बिकवाली होगा और सबसे पहला टारगेट आपको 50,000 का मिलेगा। अब देखिए जो 49,600 का मैंने बोला या 700 का बोला, तो ये सेम डे आए ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है ग्लोबली थोड़ा सा, और ये डिपेंड करता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ में अब इसके लिए पहला हर्डल 51,000 हो गया, जहां पे लगभग 30 लाख का हमारा कॉल राइटर है। अब इसके ऊपर ब्रेक करेगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वीकली चार्ट भी थोड़ा सा इस बार देखना बहुत जरूरी हो जाता है, वीकली चार्ट इसलिए क्योंकि गिरावट फ्राइडे को हुआ है, तो देखिए ये 3 सप्ताह से पॉजिटिव था। आप यहाँ पे देखिए पहले 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह निगेटिव हो गया, उसके बाद ये 3 सप्ताह आपका पॉजिटिव हो गया, थोड़ा थोड़ा कवर किया और फिर एक ही बार गिरा। तो जिस तरह का ये कैंडल है, इस तरह की कैंडल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, यानी ये काफ़ी ज़्यादा बियरिश लग रहा है कैंडल, तो ये थोड़ा सा खतरे का बात है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके लेवल की बात करते हैं, और लेवल एक ही है अभी 50,450। आप इसको इंट्राडे के चार्ट पे देखें चाहे डेली के चार्ट पे देखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लेवल वही निकल के आएगा 50,450 50,500 छोटा सपोर्ट है, उसके टूटने के बाद 50,400 खत्म। देखिए यहाँ 15 मिनट के चार्ट पर क्या हिसाब है, सपोर्ट पे आके टिका हुआ है और यहीं से एक बाउंस किया है। तो मान लेते हैं कि इस बाउंस बैक को ये तोड़ देता है इस तरह से, जैसे यहाँ नीचे से ऊपर गया फिर ये इस तरह से आता है मान लेते, तो हमें सेलिंग तो इस लेवल के नीचे करना है, बिल्कुल है। तो वो लेवल ही आपका कितना आता है 50,450, इसके नीचे जाने पे सेल हो जाएगा और यहाँ से टारगेट बनेगा 50,400 का सबसे पहले छोटा वाला। रुका तो ठीक और नहीं रुका तो फिर आप समझ जाइए कि आपको 50,000 आने में ये देरी नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो सही सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है, वो 50,000 पर ही देखने को मिलता है। हालांकि 50,300 पर एक छोटा मोटा है, ये एरिया देख रहे हैं 50,278, ये 300, ये एरिया पे छोटा मोटा है। इसीलिए आपको एक बार 50,400 के बाद जो छोटा सा बाउंस का मौका मिल सकता है ये, लेकिन जो बड़े टारगेट की बात करूं तो ये 50,000 तक का रास्ता खोल रखा है। अगर ये 50,400 के नीचे जाता है तो पुट ऑप्शन, इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन लेंगे और पुट ऑप्शन क्या हो सकता है तो 50,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो मामला यहाँ पर ये हो गया। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि मान लीजिए ये बाउंस बैक हो जाए, तब क्या करेंगे, है ना। तो बाउंस बैक होने के कंडीशन में, हालांकि देखिए बहुत ऊपर का लेवल आता है तभी ये बाउंस बैक के चांस बनाएगा, यानी कि 50,700। अगर हम 50,700 के ऊपर टिकने में कामयाब होते हैं तब एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है 50,700 के ऊपर, और टारगेट आपको 50,800 से लेके 51,000। अब यही इसका मेन हर्डल है, यहाँ पर 51,000। अब मान लेते हैं कि 51,000 को क्लेम कर गया इन केस, तो आप देखिए जैसे ही 51,000 को क्लेम कर रहा है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ से आपको ऐसे समझना है कि आप कोशिश भी करेगा तो आपको इस ट्रेंड लाइन पर आते हुए रजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जिसका लेवल आता है 51,300 के आसपास में। तो 51,000 के बाद अगर ये टिकता है ऊपर में तो 51,300 तक का लेवल दिखा सकता है, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 50,700 या 800 का कॉल ऑप्शन लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे ऊपर जाने पे तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप अप खुल गया तब क्या होगा? तो क्या लगता है गैप अप खुलना चाहिए? थोड़ा मोड़ा खुला तो खुला, कोई बात नहीं। अगर ये गैप अप ही खुल गया और डायरेक्टली ये 51,000 पर ही खुल जाता है मान लेते हैं, तो आपके लिए पहला रजिस्टेंस है, पहला रजिस्टेंस 51,000, 51,000। ये ध्यान रखिएगा, ये पहला हर्डल है, इसको ब्रेक करने में इसको दिक्कत होगा। तो आपको यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेल करिए, यहाँ पर से टारगेट 50,900 से लेके 50,600 तक का जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां तक। खराब हुआ तो 50,500, और अगर और खराब हो गया और 50,400 के नीचे निकलता है या 450, तो आपको पता है फिर ये सेल वाला लेवल एक्टिव कर लेगा। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आप 51,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का रखें, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ और ये गैप अप ना खुल के गैप डाउन हो गया तब तो भैया जी मामला ही गंदा हो जाएगा। गैप डाउन हो गया और ये डायरेक्ट 50,000 पर खुल गया तो एक छोटा सा बाउंस बैक के लिए आप बाय कर सकते हैं। अगर ये 50,000 पर डायरेक्टली खुलता है तो 50,400 पे खुलेगा तो नहीं, फिर तो मामला गड़बड़। इस एरिया पर खुले तो सही, तब एक रिस्क बाय साइड का ले सकते हैं और टारगेट 50,100 से लेके 50,500 तक के टारगेट फिर देखने को मिलेगा। और कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 50,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। क्लियर? चलिए ये ध्यान रखिएगा, इंडेक्स जब ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। काफी अभी थोड़ा सा मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ा हुआ है, अमेरिका में इलेक्शन का भी माहौल है, इसका भी इशू है। अब हम निफ्टी की तरफ देखते हैं, निफ्टी में भी क्या चांसेस बन रहे हैं। 24,800 देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, पहले भी बात हुई थी। लगभग इसने 700-801 का लो मार के वहाँ से बाउंस हो गया, तो परफेक्ट जगह से ये बाउंस किया, इसमें कोई खराबी नहीं। इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे लग नहीं रहा है। नीचे एक एरिया है 24,650 से 24,700, ये एक एरिया है, ये उसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट एरिया निकल के आता है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ तक आ सकता है, इसके नीचे जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें 100-150 पॉइंट का अगर बना मूवमेंट तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ऑप्शन डेटा भी यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चार्ट को समझेंगे। क्लोजिंग 24,850 के एट द मनी के आसपास में है। तो आप नीचे की साइड में आप देखते हैं तो क्या चल रहा है नीचे की साइड। हालांकि पीसीआर इसका भी जीरो ठीक है, ओवरसोल्ड के कंडीशन में, और विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए 24,850 16 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 18 लाख है, तो हल्का हडल है। लेकिन नीचे आप देखें 24,700 और 24,650 इस दो एरिया पे देखते हैं तो 21,728 लाख से ज़्यादा हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 6 लाख के आसपास में है। तो ये दो एरिया के पास तो बहुत अच्छा बाउंस क्या अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन क्या 24,750 पे भी संभावना है? तो इस पे भी संभावना पुरजोर है। 6 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 2.25 लाख है। तो मुझे लगता है 24,700 और 750 इस दो एरिया पे भी आप एक बार बाइंग का रिस्क ले सकते हैं। ऊपर की तरफ में अगर देखा जाए कितना जा रहा है चांस में, तो ऊपर की तरफ में हम देखेंगे कि भैया जी अब तो मुश्किल हो गया, 25,000 को ही ब्रेक करने में दिक्कत करेगा। यहाँ पे कॉल राइटर 66 लाख है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 66 लाख यहाँ पे कॉल राइटर है और पुट राइटर 30 लाख है, डबल का मुकाबला है। तो 25,050 और 25,000 पर अगर मिला के देखते हैं तो 66 15 लगभग हो गया 80 लाख। पुट राइटर है आपका और यहाँ पे आपका कॉल राइटर है आपका और यहाँ पे पुट राइटर है, तो 35 लाख के आसपास में आ रहा है। तो 35 के मुकाबले 80 बैठा है, तो मुश्किल तो करेगा। और जब तक अब निफ्टी 25,000 के ऊपर नहीं जाए मामला गड़बड़ है। चलिए वापस हम समझते हैं इसको कि अगर ये 24,800 के एरिया को नीचे ब्रेक करता है तो हम एक बार सेलिंग साइड देखेंगे, 24,800 के नीचे सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 24,750 से 24,700 का। अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया तो वहाँ पे हमें क्या नज़र आया कि 24,700 इज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे 50 पॉइंट का बफर रखेंगे तो अभी 650 भी अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बाउंस हो सकता है। क्लियर है? लेकिन चूंकि 24,800 के नीचे सेलिंग हो रहा है तो आप पहले पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे 750 से 700 के टारगेट के लिए। तो पुट ऑप्शन आप 24,800 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये नीचे ना जाके बाउंस हो जाए, बाय साइड के लिए हो जाए, तो भाई साहब इसमें एक लेवल है 24,900। ये एरिया आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब तक 24,900 के ऊपर नहीं जाए तब तक हम बाय नहीं करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट हम 24,950 से 25,000 की बात करेंगे, बफर जोन रखेंगे, तो 25,050 तक को देख सकते हैं। इसके ऊपर जाने का संभावना कम है क्योंकि ये एरिया अब इसका रजिस्टेंस बन चुका है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो आप कॉल ऑप्शन 24,900 के स्ट्राइक प्राइस का इस कंडीशन से रख के चल सकते हैं, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सवाल है कि गैप अप पे क्या करेंगे। तो भाई डेटा ही आपको मैंने इसलिए दिखाया, और साइकोलॉजिकल लेवल भी आपका 25,000 का आ रहा है जिसके ऊपर ब्रेक करने में संभव नहीं लग रहा है जब तक कोई अच्छी खबर ना आ जाए। इस एरिया पर अगर गैप अप खुलता है तो हम जरूर सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 24,950 से 24,850 तक का मिल सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ से नजर रखेंगे तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है बाइंग साइड में। और अगर ये गैप डाउन होता है यानी कि नीचे खुल जाता है डायरेक्टली, तो भाई कम से कम अगर ये 24,650 से 700 के बीच में खुले तो बहुत अच्छा बाइंग जोन बनेगा और इसी के आसपास बाइंग करना, उसके पहले नहीं। टारगेट 24,750 से इस कंडीशन में भी 24,850 के लेवल बनेंगे। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,700 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो मार्केट की वॉलीटिलिटी बढ़ी हुई है चूंकि विक्स बढ़ गया है और थोड़ा सा अमेरिका में इलेक्शन और थोड़ा फेड वुड को लेकर मामला चल रहा है। तो मंडे डिसाइड करेगा कि आखिर क्या लेवल निकल के आएगा, नीचे की साइड में जाएगा या ये ऊपर की साइड में जाएगा। हालांकि निफ्टी का अगर हम डेली के चार्ट पे देखें तो चलिए डेली का चार्ट एक बार आपके सामने में लेकर आता हूं, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी तो हमारा बेयरिश फ्लैग है लेकिन निफ्टी कैसा है। तो निफ्टी क्या देख रहे हैं कि भाई निफ्टी में ऐसा इस टाइप का कोई फ्लैग वैलैग है नहीं, निफ्टी ठीक ठाक है बैंक निफ्टी के मुकाबले। लेकिन इसने भी अपना लेवल खोल रखा है, अगर ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट करके साथ में आ जाता है उसके साथ में तो ये भी 24,600-650 तक के लेवल को क्लेम करता है। हालांकि इसके पास सपोर्ट ज़्यादा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू था दोस्तों सोमवार 9 सितंबर 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर.के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स प्राप्त करने के लिए। चलो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।